तो कल मैंने करी थी एक कम्युनिटी पोस्ट और मैंने सोचा था कि यार कोई टॉपिक मिलेगा, एक्चुअली मिले भी, बट वही ना कि यार मतलब मेहनत कुछ ज्यादा लग जाती है उसमें। तो मैंने सोचा कि जल्दी से एक वीडियो अपलोड करते हैं किसी भी टॉपिक पे, एंड उसमें मेरे को एक सबसे बेस्ट टॉपिक लगा, वो है मेटल सीरीज। वेले टाइम पास वीडियो भी नहीं यार, इसको इतना भी ज्यादा हल्के मत ले लेना अगर मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ तो। मेहनत तो हर वीडियो में ही लगती है। मेरा ओपिनियन क्या है कि मेटल सीरीज कब तक हम लोग को देखने को मिलेगी इंडिया में, एंड मैं मेटल सीरीज सिर्फ नहीं इसमें इंक्लूड करूंगा, इसमें मैं बर्स्ट को भी ले लूंगा, साथ ही साथ आपका ओरिजिनल भी ले लूंगा, बिकॉज वो नई भले नहीं है बट अगर वो आज भी आती टीवी पे तो सबको पता है कि यार सब देखेंगे, मजाक वाली कोई बात नहीं, ओरिजिनल के कितने ज्यादा फैंस हैं इंडिया में ये सबको पता है। एंड ऑल्सो देखो, मेरे को पता है कि मैं बहुत दिनों से महीनों से वीडियो नहीं डाला था बेबलेट पे, एंड उसके लिए माफी मांगता हूँ। यार देखो बीच में एकदम भूल सा गया था बेबलेट को, एंड उसका रीजन ये भी है कि यार कुछ हो नहीं रहा था, एंड मैं क्या वीडियो बनाऊँ कि यार मतलब कुछ होना भी तो चाहिए वीडियो बनाने के लिए। तो यही कुछ रीजन थे कि मैं बेबलेट पे वीडियोज नहीं बना रहा था हाल फिलहाल में, बट कोई बात नहीं यार, अब फिर से कंटिन्यू करेंगे एंड टॉपिक नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों यार, एंड बीच बीच में ऐसे इंटरेक्ट करने में जो मजा है वही चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी है फिलहाल के लिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आगे चल के अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ओरिजिनल सीरीज से, एंड ओरिजिनल सीरीज हम लोग को रिसेंटली दिखाई गई थी सुबह सुबह, एंड देखो और उसको मैं दिखाना नहीं कहूँगा, सुबह 6 बजे अगर तुम कोई सीरीज दिखा रहे हो तो उसको तुम दिखाना नहीं कर रहे हो, उसको तुम बस कह रहे हो कि हाँ भाई राइट्स है तो बस निकाल दो कैसे भी करके। सेम जैसे कार्टून नेटवर्क ने ड्रैगन बॉल सुपर के साथ करा था, तुम रात को उसको 11 बजे दिखा रहे हो और ये लोग उसको सुबह 6 बजे दिखा रहे थे, कोई सेंस नहीं बना था, दोनों ही सेम हालत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि रिसेंटली हम लोग को बेबलेट दिखाया गया सुबह सुबह, लेकिन उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा कि यार उसको हम लोग एक्चुअली दिखाना चाहते हैं किसी शो को सुबह सुबह 6 बजे। अगर आप लोग अब से 3 या 4 साल पहले चले जाओ तो हम लोग को रात में टेली शॉपिंग देखने को मिलता था, पूरी रात वही चलता था यार, और कोई शो देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पर अब थोड़ी चीजें चेंज हो चुकी है एंड सुबह भी हम लोग को शोज देखने को मिलते हैं बेबलेट जैसे, जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है बट उसको दिखाया जा रहा है 6 बजे, तो आप लोग खुद समझ सकते हो। तो ओरिजिनल सीरीज हम लोग को कब से देखने को मिलेगी सही टाइमिंग से, तो देखो यार जहां तक मेरे को लगता है, जितनी चीजें मेरे को पता है आज तक जितना मैंने बेबलेट देखा है चैनलों पे, तो देखो यार जब भी हम लोग को मेटल सीरीज दिखाई जाएगी इन फ्यूचर, बिकॉज राइट्स तो पड़े हैं, डब भी हो चुका है, तो अब उसको फालतू में तो रखेंगे नहीं, दिखाना तो पड़ेगा ही मेटल सीरीज। और जब भी वो लोग दिखाएंगे मेटल सीरीज, हम सबको पता है कि मेटल सीरीज बहुत ही जल्दी ऑडियंस अटेंशन ग्रैब करेगी और बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो जाएगी इंडिया में, क्योंकि वो एक नई सीरीज है। तो हम सबको पता है कि उसको 5 या 6 बजे ही दिखाया जाएगा शाम को, क्योंकि जितने भी नए शो आते हैं आजकल सारे ही हम लोग को शाम को ही देखने को मिलते हैं मार्वल एचक्यू पे, एंड अगर हंगामा पे आता है मेटल सीरीज तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। तो अगर मेटल सीरीज बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गई, देन साइड में हो सकता है कि हम लोग को ओरिजिनल सीरीज देखने को मिले, या फिर अब से अगर आप बस 1 साल पहले चले जाओ तो यार सैटरडे संडे हम लोग को बेबलेट देखने को मिलता था, कुछ घंटे के लिए वो लोग पुराने एपिसोड्स को रिपीट करते थे, वही पुराना वाला सीन था। तो हाँ आप लोग कह सकते हो अगर मेटल पॉपुलर होती है तो ओरिजिनल के तो राइट्स सर पहले से ही हैं, एंड देन दोनों सीरीज को दिखाओ एंड मस्त टीआरपी ही टीआरपी। बट यहाँ पे जो तीसरी चीज हम लोग भूल रहे हैं वो है बेबलेट बस सीरीज। तो क्या बस सीरीज हम लोग को वापस देखने को मिलेगी, या फिर बस्ट का यहीं तक था, अब हम लोग को बस सीरीज देखने को नहीं मिलेगी? वेल देखो इसको मैं हाँ भी नहीं कर सकता, ना भी नहीं कर सकता, इसका 50-50% चांसेस है। अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल और मेटल, तो ये दोनों ऐसी चीज है कि यार फ्यूचर में डेफिनेटली हम लोग को कभी ना कभी देखने को जरूर मिलेगी। बट जब बात आती है बस सीरीज की, तो हम सबको पता है कि यार टर्बो के राइट से लोग खरीदे नहीं है, एंड चांसेस बहुत ही कम है कि ये लोग आगे चल के खरीदे भी, बिकॉज यार मेटल सीरीज का पहला सीजन ये लोग 1 साल दिखाएंगे, देन उसी को रिपीट करेंगे, देन उसका दूसरा सीजन को लोग दिखा के रिपीट करते रहेंगे, बिकॉज ये चलते आ रहा है। अगर आप लोग ओरिजिनल सीरीज बहुत पहले से देखे तो आप लोग को याद होगा वो लोग सीजन 1 दिखाए, देन उसको रिपीट किए, देन V-Force आया उसके अगले साल। वेल वो अलग बात है, मैंने वेबसाइट से पहले ही देख लिया था V-Force G-Revolution, खुद की तारीफ नहीं कर रहा बस बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे को खुद नहीं पता था कि यार V-Force जैसा कोई सेकंड सीजन है, वो मैंने थोड़ा तब मेरे को पता चला था। एंड देन हम लोग को नेक्स्ट ईयर देखने को मिला उसी के G-Revolution। सो सेम चांसेस है कि मेटल के साथ भी ऐसा हो, पहला सीजन वो लोग दिखाया, देन उसके अगले साल मेटल मास्टर, देन उसके अगले साल मेटल फ्यूरी, ऐसे ही करके 3 साल निकल जाएंगे, एंड देन उसके बाद हो सकता है बस्ट का हम लोग को कुछ देखने को मिले। बट ये मेरा ओपिनियन है, चैनल क्या सोचता है ये हम लोग को नहीं पता, क्योंकि अगर हम लोग एक पॉइंट पे बात करें ओरिजिनल और मेटल के बारे में तो दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर है, उन लोग के ब्लीडिंग स्टाइल एंड वगैरह वगैरह। बट जब बात आती है बर्स्ट की तो यार बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, एंड इसलिए हो सकता है कि यार जो ऑडियंस है उसको ज़्यादा ध्यान न दे। अगर मेटल जैसी सीरीज आ जाती है एंड उसका ओरिजिनल भी अगर रिपीट होने लगती है वापस से, तो बहुत कम ऐसी ऑडियंस होगी जो वापस से बर्स्ट पर जाएगी। तो आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एंड यही मेरा था कि यार हम लोग को देखने को मिलेगी पहले मेटल, एंड कब तक मेटल आएगी इसका मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊँ अपना ओपिनियन से तो दिसंबर, एंड अगर दिसंबर में नहीं देखने को मिलती तो देन नेक्स्ट ईयर हम लोग सोचेंगे, देन कुछ और वीडियोस बनेंगी यूट्यूब पे कि जनवरी में देखने को मिल जाएगा, फरवरी में देखने को मिल जाएगा,
गया एंड ऐसे ऐसे करते ही एक और साल निकल जाएगा एंड देन फिर तो हम लोग को मेटल सीरीज देखने को मिल ही जाएगी। तो हाँ ये सब चीज़ें यार देखो कब तक आएगा ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है जब मैं ये वीडियो डालूँ उसके अगले दिन ही मेटल आ जाए, या फिर हो सकता है जब मैं ये वीडियो डालूँ उसके 2 साल बाद आए। तो बस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उससे ज़्यादा, इन्हें अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन था ओवरऑल बेब्लेड की कंडीशन पे, आपका ओपिनियन क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ आज के वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,